हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर तीन बाइक्स के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तीनों बाइक को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोगों के सवाल रहते कि कौन सी बाइक हमें खरीदना चाहिए, कौन सी बाइक हमारे लिए बेस्ट रहेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बजाज पल्सर NS200, ड्यूक 200 और MT15 के बीच में कंपैरिजन करने वाले। दोस्तों, कंप्लीट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसा इंजन आता है, क्या पावर है, क्या माइलेज है, क्या प्राइस है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसी ब्रेकिंग है, कैसे सस्पेंशन है, हर एक चीज़ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। प्लस दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर हो जाएगा कि आपको तीनों में कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ड्यूक 200 वर्सेस NS200 वर्सेस MT15। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे तीनों बाइक के प्राइस के बारे में कि प्राइस में तीनों बाइक में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, NS200 एक्सोनो प्राइस आती है 1,38,000, ड्यूक 200 एक्सोनो प्राइस आती है 1,85,000, MT15 एक्सोनो प्राइस आती है 1,60,000। तो ये कंपैरिजन नहीं करते, ऑन रोड प्राइस में कंपेयर करते हैं। दोस्तों, NS200 अभी ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 1,65,000, 1,65,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस आ रही है। ड्यूक 200 लगभग ऑन रोड प्राइस आ रही है 2,17,000, 2,17,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस आ रही है। और MT15 ऑन रोड प्राइस आ रही है अराउंड 2 लाख रुपीज़ के आसपास, 2 लाख रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस पड़ रही है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे ड्यूक 200 सबसे ज़्यादा कॉस्टली है 2,17,000 रुपए, MT15 2 लाख रुपए की है और NS200 1,65,000 रुपए की। तो ध्यान रखिए, NS200 सबसे ज़्यादा सस्ती है और काफ़ी बड़ा मार्जिन अमाउंट है, छोटा मोटा भी नहीं, काफ़ी बड़ा मार्जिन अमाउंट का आपको डिफरेंस यहाँ पे बाइक में देखने को मिल जाता है। तो ये तो दोस्तों प्राइस हो गया तीनों बाइक्स का। चलिए बात कर लेते हैं तीनों बाइक के इंजन के बारे में, इंजन कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों, इंजन टाइप में आपको मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले NS200 में लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOSC 4 वॉल्व ट्रिपल स्पार्क प्लग BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है। KTM ड्यूक 200 में सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल FIDOSC इंजन मिलता है। MT15 में लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOSC 4 वॉल्व इंजन मिलता है। देखिए, MT15 और NS में SOSC इंजन मिलता है, लेकिन ड्यूक 200 में DOSC इंजन मिलता है, ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। तो यहाँ पे आपको जो इंजन है वो ड्यूक 200 में थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। जो DOSC इंजन होता है दोस्तों, वो थोड़ा प्रीमियम हो जाता है, थोड़ा सा बेटर हो जाता है कंपेयर टू SOSC इंजन। NS और MT में आपको सेम इंजन देखने को मिलता है, मतलब कैटेगरी इंजन की टाइप्स, ठीक है। वहीं दोस्तों बात करें CC के बारे में, तो NS और ड्यूक 200 में जैसे आपको पता है दोनों में 199.5 CC का इंजन यूज किया गया, दोनों को आप 200 CC के नाम से जानते हो। MT15 में 155 CC यानी कि 155 CC का इंजन यूज किया गया है। लेकिन थोड़ा ठहर जाइए भैया, उसमें 155 CC इंजन है लेकिन उसमें यामा अपनी VVA टेक्नोलॉजी देता है और VVA टेक्नोलॉजी होने की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको ड्यूक 200 और NS200 से कहीं से भी कम नहीं मिलेगी। पिकअप में भले ही थोड़ा सा कम मिले बट टॉप स्पीड में वो पूरी पूरी टक्कर देती है। पावर के बारे में बात करते हैं, NS200 में लगभग 24.5 के आसपास का PS पावर आता है, ड्यूक 200 में लगभग 25 के आसपास का PS पावर आता है, MT15 में लगभग 18.4 के आसपास का PS पावर आता है। NS200 में 18.74 के आसपास का इंटरमीटेंट टॉर्क आता है, ड्यूक 200 में 19.5 के आसपास का इंटरमीटेंट टॉर्क आता है, MT15 में 14.1 के आसपास का इंटरमीटेंट टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। पावर भी भाई तीनों बाइक में काफ़ी अच्छा मिलता है, NS और ड्यूक में कोई फर्क नहीं है पावर में ज़्यादा, और MT15 में आपको थोड़ा कम पावर मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये बुक्स है, बुक्स मतलब ये लिखी हुई चीज़ है, ये थ्योरी है। जब बात आती है दो तीनों की परफॉर्मेंस के बारे में तो तीनों की जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी अच्छी है। देखिए, KTM ड्यूक 200 की सबसे ज़्यादा इंस्टेंट पावर मिलेगा आपको, NS200 का इंस्टेंट पावर थोड़ा कम है लेकिन टॉप स्पीड अच्छी मिलेगी, MT15 की इंस्टेंट पावर काफ़ी कम है ये दोनों के कंपेयर में लेकिन टॉप स्पीड उसकी भी काफ़ी तगड़ी मिलती है। तो यहाँ पर तीनों में अगर आप कंपेरिजन करोगे तो NS200 परफॉर्मेंस वाइज सबसे बेटर है क्योंकि जो प्राइस है वो सबसे कम है। लेकिन अगर लुकिंग वाइज जाओगे, पावर वाइज भी जाओगे तो फिर MT15 भी बेटर बाइक है, और अगर आपको एक प्रीमियम बाइक चाहिए तो फिर यहां पे KTM की ड्यूक 200 सबसे बेस्ट बाइक है। दोस्तों, तीनों ही बाइक में आपको नंबर ऑफ 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलते हैं, तीनों ही बाइक में आपको लिक्विड कूल देखने को मिल जाता है। जैसे आपको पता है तीनों बाइक में रेडिएटर देखने को मिल जा रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पे क्लच में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, NS और ड्यूक में स्लीपर क्लच नहीं आता लेकिन आपको MT15 में स्लीपर क्लच देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, एक बार ये एडवांटेज आपको ज़रूर मिलता है MT15 में, जिससे आपको गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी और बेटर मिल जाएगी। नंबर ऑफ 5 स्पीड गियरबॉक्स में तीनों ही बाइक को डिज़ाइन किया गया है, तीनों बाइक पर नंबर ऑफ 4
4 वाला इंजन देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों तीनों बाइक का कंप्लीट इंजन कंपैरिजन। इंजन कंपैरिजन आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया। बात कर लेते हैं दोस्तों अब तीनों बाइक की माइलेज के बारे में और तीनों बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में कि आपको माइलेज एंड परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस तीनों बाइक में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों KTM की ड्यूक 200 में लगभग 35 के आसपास का जो माइलेज है वो निकल कर आता है। NS 200 में लगभग उतना ही 35 के आसपास का जो माइलेज है वो निकल के आता है। एंड वही दोस्तों MT 15 में आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा, 40 से 45 के आसपास का जो माइलेज है वो आपको MT 15 में देखने को मिलता है। तो MT 15 में कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा एडवांटेज है। और दोस्तों ये एडवांटेज इसीलिए है क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है इसमें VVA टेक्नोलॉजी आती है, CC कम है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस रहती है MT में वो आपको ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है और माइलेज आपको ज्यादा बेटर मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं तीनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। NS 200 में एनालॉग विद डिजिटल मीटर आता है, ड्यूक 200 में फुली डिजिटल मीटर आता है, MT 15 में LCD पैनल वाला स्पीडोमीटर आता है। सबसे अच्छा मीटर आपको MT 15 में ही मिलेगा। फीचर्स वाइज कंपैरिजन करेंगे तो ड्यूक 200 और MT 15 में सारे फीचर्स है, लेकिन NS 200 में जैसे कि गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं आता, सर्विस रिमाइंडर आता है, ऑयल लो ऑयल इंडिकेटर नहीं आता, तो कुछ कुछ फीचर है जो आपको NS 200 में नहीं मिलेंगे, लेकिन MT 15 और KTM ड्यूक 200 में सारे फीचर आते हैं। लेकिन MT 15 में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि NS और ड्यूक में आपको दोनों में नहीं मिलता। सबसे बेस्ट यहां पे MT 15 है एक अगर आप फीचर्स के वाइज कंपैरिजन करोगे तो। बात कर लेते हैं दोस्तों तीनों ही बाइक के सबसे इंपॉर्टेंट सस्पेंशन के बारे में। तीनों बाइक के सस्पेंशन में आपको मैं बताना चाहूंगा कि NS 200 में नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं फ्रंट में, लेकिन ड्यूक 200 और MT 15 में दोनों में आपको USD फॉक्स यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, लेकिन ड्यूक 200 के सस्पेंशन बेटर है। ड्यूक 200 के जो सस्पेंशन का साइज है वो काफी बड़ा है, इसमें लगभग 43 mm के आसपास के सस्पेंशन आते हैं और MT 15 में लगभग 37 mm के आसपास के सस्पेंशन आते हैं। और ड्यूक में आप लोगों को जो WP के सस्पेंशन मिल रहे हैं वो सबसे बेटर है। तो सस्पेंशन में कंपेयर करोगे फ्रंट सस्पेंशन में तो यहाँ पे KTM की ड्यूक 200 में सबसे बेस्ट ऑफ सस्पेंशन आ रहे हैं, उसके बाद MT 15 एंड उसके बाद NS 200। रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो रियर सस्पेंशन में भी KTM ड्यूक में WP के मोनोशॉक सस्पेंशन आते हैं, बेस्ट सस्पेंशन है। एंड वही दोस्तों MT 15 में मोनोक्रॉस सस्पेंशन आते हैं, बेस्ट सस्पेंशन है। NS में नाइट्रो मोटोशॉक सस्पेंशन आते हैं, गुड सस्पेंशन है। एज कंपेयर टू ड्यूक 200 और MT 15 NS के जो सस्पेंशन है उतने बेटर नहीं आते है। बात कर लेते हैं दोस्तों तीनों बाइक के डायमेंशन के बारे में, तीनों बाइक के लेंथ के बारे में, तीनों बाइक की सीट हाइट के बारे में। दोस्तों यहां पे बताना चाहूंगा आपको तीनों बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। NS 200 में 12 लीटर पेट्रोल फ्यूल करा सकते हो, ड्यूक में सबसे ज्यादा 13.5 लीटर करा सकते हो और MT 15 में 10 लीटर करा सकते हो। सीट हाइट में दोस्तों NS की जो सीट हाइट है, जी NS 200 की जो सीट हाइट है, जहां तक अराउंड मुझे पता है कि आपको लगभग मिलेगी 805 mm के आसपास की। ड्यूक 200 की है लगभग 822 mm की और यहाँ पे MT 15 की लगभग मिलती है 810 mm की। तो ड्यूक 200 की सबसे ज़्यादा हाइट है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लेना चाहते हो किसी अपनी बाइक को हाइट वाइज कंपेयर, जी अगर अपनी हाइट से आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपको NS के साथ जाना चाहिए, NS की सबसे कम। अगर आपकी ज़्यादा हाइट है तो फिर आप KTM ड्यूक की तरफ जा सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस में दोस्तों बताना चाहूंगा NS की है 168 mm और ड्यूक और MT की आती है 170 mm। वैसे ग्राउंड क्लियरेंस तीनों का अच्छा है, कोई प्रॉब्लम आपको तीनों में नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि एज कंपेयर भाई प्राइस लुकिंग वाइज यहां पे ना MT 15 कहीं ना कहीं बाजी मार रही है। इसमें आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों आते हैं तीनों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। तीनों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स में कंप्लीट कंपैरिजन करते हैं। देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यहां पे NS 200 में फ्रंट में आपको जो मेन लाइट मिलती है वो हैलोजन लाइट मिलती है, KTM ड्यूक 200 में भी हैलोजन लाइट मिलती है, MT 15 में आपको सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट मिलती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पे जो MT 15 है वो बाजी मार रही है, ठीक है। यहां पे दोस्तों NS में भी LED आना चाहिए, ड्यूक 200 में भी LED आना चाहिए, MT 15 में तो LED तो छोड़ो आप, प्रोजेक्टर लाइट आती है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। तो यहां पे दोस्तों MT 15 में सबसे बेस्ट लाइट आपको देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों इलेक्ट्रिकल्स में और फीचर्स में MT 15 ज्यादा बेटर है। फ्रंट लाइट आप लोग देख पा रहे हैं स्टर्न सिंगल लैंप, ड्यूक 200 और NS 200 में ध्यान रखिए फर्क है, NS में हैलोजन आते हैं सॉरी बल्ब आते हैं, ड्यूक में LED आते हैं और MT 15 में भी आपको LED मिलेगी।
की। टेल लाइट में आपको तीनों में LED लाइट देखने को मिल जाती है। मेंटेनेंस फ्री 12 वाट की बैटरी आपको तीनों बाइक में देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों तीनों बाइक के टायर्स के बारे में एंड ब्रेकिंग्स के बारे में। ब्रेकिंग्स में आपको कितना डिफरेंस मिल जाता है दोस्तों, आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा तीनों बाइक के टायर साइज के बारे में। NH 200 में फ्रंट में लगभग 180 के टायर आते हैं, ड्यूक 200 में लगभग 110-70 के टायर आते हैं और MT 15 में लगभग 180 के टायर आते हैं। एंड वही दोस्तों NH 200 में रियर में लगभग 130-70 के टायर आते हैं, ड्यूक 200 में लगभग 150-60 के टायर आते हैं और MT 15 में लगभग 140-70 के आसपास के टायर साइज देखने को मिल जाते हैं। ये तो टायर साइज हो गया। बात कर लेते हैं दोस्तों तीनों बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। अब दोस्तों ब्रेकिंग में आपको मैं बताना चाहूंगा कि KTM ड्यूक 200, NH 200 और MT 15 के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बेटर है। बेटर नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेटर है। क्यों ज्यादा बेटर है? क्योंकि दोस्तों MT 15 में आप लोगों को फ्रंट में देखने को मिलता है काफी अच्छी प्लेट, लेकिन इसमें आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। NH 200 में भी सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, लेकिन KTM की ड्यूक 200 में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन यह है कि KTM की ड्यूक 200 में जो प्लेट साइज मिलती है वो दोनों बाइक के कंपैरिजन में सबसे बड़ी है, 300 mm प्लस इसमें 4 पिस्टन कैलिपर मिलते हैं और NH 200 और MT 15 में डुअल पिस्टन कैलिपर मिलते हैं, मतलब एक कैलिपर 2 पिस्टन, ड्यूक 200 में एक कैलिपर 4 पिस्टन। तो कहीं ना कहीं ड्यूक 200 की जो ब्रेकिंग है वो सबसे बेटर है। प्लेट साइज में जैसे मैंने आपको बताया ड्यूक 200 में फ्रंट में 300 mm, NS में 300 mm और MT में लगभग 282 mm के आसपास की प्लेट मिलती है। रियर के कंपैरिजन करेंगे तो KTM की ड्यूक 200 में 230 mm, NH 200 में 230 mm और MT 15 में लगभग 220 mm के आसपास की प्लेट साइज देखने को मिल जाती है। तो ये था दोस्तों KTM ड्यूक 200 वर्सेस KTM सॉरी NH 200 वर्सेस MT 15। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि तीनों में आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है। देखिए अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई हमें तीनों में कौन सी बाइक लेना चाहिए, तो मैं आप लोगों को सीधे सीधे ये बोलना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करता है आपके शौक पर, आपकी पसंद पर और आपके बजट पर। अगर आपके पास सबसे ज़्यादा बजट है तो गो फॉर KTM की ड्यूक 200, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट 200cc बाइक इन इंडियन मार्केट। अगर आपका बजट सबसे कम है तो फिर गो फॉर NH 200, और अगर आपका बजट भी अच्छा है और अगर आपको बेस्ट बाइक चाहिए तो फिर गो फॉर MT 15। अब तीनों में आप कौन सी बाइक लेना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग वीडियो काफी अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी लाइक करना भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, प्लीज यार देख लाइक तो बनता है दोस्तों। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर किए तो और भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।